हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो सीक्वेंसेस का सबसे लास्ट टॉपिक मेरी तरफ से सब सीक्वेंसेस, मैंने जैसे आपको बोला था सब सीक्वेंस, ठीक है ना, सब सीक्वेंस। और ये टर्म जो है सब सीक्वेंस, ये प्रॉपर लिख देते हैं, सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, ठीक है ना, सब सीक्वेंस। तो ये सब सीक्वेंस क्या होता है, ये टर्म आप जैम के क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे, रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस में, नेट में तो भरे पड़े हैं, तो सब सीक्वेंसेस पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए बस समझ लीजिए पहली चीज कि ये सब सीक्वेंस होता क्या है। तो आपने पढ़ा है ग्रुप सब ग्रुप, वेक्टर स्पेस सब स्पेसेस। तो ग्रुप आपने पढ़ा तो उसका सब ग्रुप, वेक्टर स्पेसेस सब स्पेसेस। तो सब ग्रुप या सब स्पेस होते क्या थे, तो सब ग्रुप की बात करूं तो वो भी एक ग्रुप होता है जो एक बड़ा जो ग्रुप है ना, एक जो बड़ा ग्रुप है उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट जो कि खुद ग्रुप फॉर्म करते उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से सब स्पेसेस में भी, तो सेम यहां पे सब सीक्वेंसेस में भी यही होता है। क्या एक सीक्वेंस दी हुई होगी, मैं फिर से कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लैंग्वेज जो बुक में डिफाइन करते वो इंपॉर्टेंट नहीं है। Fn, अगर ये सीक्वेंस है F1, F2, F3, इस तरह से एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, तो मैं यहां पे नाम दे देता हूं Fn1, Fn1 फॉर एग्जाम्पल, यहां पे ऐसे मैंने नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ये सब सीक्वेंस है इस ओरिजिनल सीक्वेंस Fn का, कब, बस सिंपली समझिए ये भी एक सीक्वेंस होगा। और करना क्या है, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है ना इसी के एलिमेंट्स को लेके, लेकिन हमेशा याद रखिए जो यहां पे एलिमेंट्स आप बनाएंगे ना उनका ऑर्डर यहां पे प्रिजर्व होना चाहिए। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, जैसे F1 आप F3 ले लीजिए, F5 ले लीजिए, F6 ले लीजिए, F7 ले लीजिए, F10 ले लीजिए, ... तो इस तरह से मैं अगर मैं बनाऊंगा तो ये सब सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि ये यही से आई हुई है। ध्यान दीजिएगा इसके जो एलिमेंट है Fn1, जो सीक्वेंस बना रहा हूं, देखिए F1 यही से, फिर F2 छोड़ दिया मैंने, F2 छोड़ दिया, F3 लिया, F4 छोड़ दिया, F5 लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सीक्वेंस के ऑर्डर है F3 बाद में आता है F1 से यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखिए F3 बाद में आता है F1 से, तो जो ऑर्डर है ना वो मेंटेन हो रहा है। तो ये सब सीक्वेंस हुई। अब अगर आप ऐसे बना दें, फॉर एग्जाम्पल पहले आपने F1 लिख दिया, फिर आपने F10 लिख दिया, फिर यहाँ पे F5 लिखा, तो ये सब सीक्वेंस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल सीक्वेंस है इसमें F5 पहले है F10 से, लेकिन यहाँ पे जो आपने ये बनाने की कोशिश किया है सब सीक्वेंस, इसमें F5 को बाद में कर दिया, F10 के बाद कर दिया, तो ऑर्डर प्रिजर्व नहीं हो पा रहा है, तो ये सब सीक्वेंस नहीं होगी। तो पूरी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट था ये मैं समझा पाया, और यही करना है, यही सीखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए जो बुक का डिफिनेशन है वो मैं लिख देता हूं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया, बस वही है। तो क्या है बुक का, जो बुक्स में आप देखेंगे तो वो क्या लिखता है, कैसे लिखते हैं, लेट Fn बी अ सीक्वेंस, बी अ सीक्वेंस, ठीक है। अब इफ एन के, ये ऐसे मैं लिखता हूं, इफ एन के बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो नहीं लिख सकते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज मैं ये बोलना चाहता हूं N1 लेस देन N2 लेस देन N3 लेस देन N4, इस तरीके से ये सीक्वेंस में, मतलब ये मैं बोला ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब ये हुआ। देन देन
अब यहां पे आता हूं एफ एन के। अभी देखिए ये एफ एन के कहां से आ रहा है, इस ओरिजिनल में, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया था, ठीक है ना। बस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ले लीजिए और यहां पे सफिक्स में वो लगा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ओरिजिनल सीक्वेंस ये थी, मैं ये एन वन को ले लिया फॉर एग्जांपल, जैसे ये लिखा हूं एन वन एन टू एन थ्री ऐसे ना, तो फॉर एग्जांपल एन वन को मैं ले लिया जैसे फॉर एग्जांपल फोर, फिर इसको ले लिया फाइव, फिर इसको ले लिया एट, फिर इसको ले लिया टेन एंड सो ऑन। तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो बना रहा हूं ये क्या होगा एफ फोर, फिर ये एफ फाइव, फिर एफ एट, एफ टेन, वही तो मैं आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। सो देन अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, देन दिस इज सेड टू बी अ सब सिक्वेंस, ठीक है ना। देन दिस इज अ सब सिक्वेंस, सब सिक्वेंस ऑफ द सिक्वेंस ऑफ द सिक्वेंस एन ऑफ द सिक्वेंस एफ एन, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है, होपफुली कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अब यहां पे सब सिक्वेंसेस आपको अगर समझ में आ गया तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसपे नेट वगैरह में क्वेश्चंस बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कोई सीक्वेंस आप दिया हुआ है एफ एन, ठीक है ना, एफ एन अगर कोई सीक्वेंस है जो कि किसी रियल नंबर एफ पे कन्वर्ज करता है ना, ठीक है ना, तो याद रखिए इसका कोई भी सब सीक्वेंस बनाएंगे एफ एन के, कोई भी सब सीक्वेंस बनाएंगे वो भी इसी एफ पे ही कन्वर्ज करेगी और इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब क्या, अगर कोई सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्जेंट है किसी नंबर पे कन्वर्ज करती है ना, तो उस सीक्वेंस का कोई भी सब सीक्वेंस बनाएंगे वो भी कन्वर्जेंट होगी और सेम नंबर पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। चलिए सो पहला रिजल्ट मैं इसको लिखता हूं, सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू कन्वर्जेस टू एफ इफ एंड ओनली इफ इट्स एवरी सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू। तो क्या हुआ, ओरिजिनल सीक्वेंस है अगर एफ पे कन्वर्ज करती है तो इसका हर एक सब सीक्वेंस एफ पे कन्वर्ज करेगा। उल्टा भी ट्रू है, कोई सीक्वेंस दिया उसकी अगर हर एक सब सीक्वेंस इच सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एफ, देन गारंटी है कि ये ओरिजिनल सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी और सेम नंबर एफ पे ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना। इसको अगर वेरीफाई करना है तो आप ले लीजिए, जैसे मैंने ये सीक्वेंस लिया एफ एन, ठीक है ना, एफ एन ये क्या है वन वन बाई टू वन बाई थ्री एंड सो। अब मान लीजिए मैं इसकी एक सब सीक्वेंस बनाता हूँ एफ एन के, नाम देता हूँ, और ये क्या कर रहा हूँ इवन वाले जो टर्म्स नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स में क्या ले रहा हूँ, जो लिखा था ना वो एन वन एन टू एन थ्री इस डिफिनीशन में, ये इसको मैं इवन लेता हूँ टू फोर, ठीक है ना, सिक्स, ये ऐसे। तो इवन नेचुरल नंबर्स की करेस्पॉन्डिंग जो सब सीक्वेंस बनेगी वो क्या हो जाएगा वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई सिक्स वन बाई एट डॉट डॉट, और ये सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करती है फ्रेंड, जीरो पे। आपको पता है ये सीक्वेंस ओरिजिनल भी जीरो पे कन्वर्ज करती है, इसकी ये सब सीक्वेंस बनाया देखिए ये भी जीरो पे कन्वर्ज करती है, तो वेरीफाई करती है। सेम उसी तरीके से आगे का रिजल्ट मैं नहीं लिखूंगा, उसी तरीके से अगर ये जो ओरिजिनल सीक्वेंस है ना ये डाइवर्ज करती है प्लस इंफिनिटी पे ना, तो इसका कोई भी सब सीक्वेंस होगा वो भी डाइवर्ज करेगी प्लस इंफिनिटी पे। उसी तरीके से अगर ये ओरिजिनल सीक्वेंस डाइवर्ज करती है माइनस इंफिनिटी पे तो इसका कोई भी सब सीक्वेंस बनाएंगे वो भी माइनस इंफिनिटी पे ही डाइवर्ज करेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से नेट वगैरह में आए हुए हैं, जो सेकेंड कन्वर्जेंट बता दिया तो यही से आप लिंक कर लीजिएगा, डाइवर्जेंट के लिए भी ट्रू होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। क्या बोलता है कि अगर एक सीक्वेंस लेता हूं एफ एन, इसकी मैं लिमिट पॉइंट की बात कर रहा हूं, कन्वर्जेंट नहीं लिमिट पॉइंट, आपने लिमिट पॉइंट देखा था पढ़ा है, अगर इसका कोई एक लिमिट पॉइंट है टी, फॉर एग्जाम्पल टी जो है इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, तो ये थ्योरम क्या बोलता है ना कि गारंटी है कि मुझे
इसकी एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी जो कि कन्वर्ज कर जाएगी इस नंबर में। फिर से क्या बोलता है ये रिजल्ट कि अगर एक सीक्वेंस है जिसका एक लिमिट पॉइंट टी लिमिट पॉइंट, इसकी मुझे एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो कि कन्वर्ज करेगी इसी नंबर पे। समझ में आया फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं लिखता हूं और इसको मैं वेरीफाई भी करता हूं। तो क्या है, इफ टी इज अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एफ एन, देन देयर एग्जिस्ट्स अ सब सीक्वेंस मैं नाम दे दूं एफ एन के देयर इज अ सब सीक्वेंस एफ एन के ऑफ एफ एन विच कन्वर्जेस टू इस पे टी। अगर इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, ये सीक्वेंस कोई जरूरी नहीं कन्वर्ज करे, लिमिट पॉइंट है, तो इसकी एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो इस लिमिट पॉइंट टी पे कन्वर्ज करेगी। फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, प्रैक्टिकली विजुअलाइज करवाता हूं। यहां पे एक सीक्वेंस लीजिए आप एफ एन, जहां पे एफ एन को मैंने क्या लिया -1 raised to the power n फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब ये सीक्वेंस है क्या, पहले समझिए ये सीक्वेंस है क्या, -1 1 -1 1 इस तरह से, इवन नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग 1 और ऑड नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग -1। अब इसके दो लिमिट पॉइंट्स है आप ऑलरेडी कर चुके हैं -1 और 1 ना, तो इट हैज टू लिमिट पॉइंट्स क्या -1 एंड 1। ये सीक्वेंस ऑसिलेट फाइनाइटली केस में आती है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। अब देखिए ये थ्योरम क्या बोलता था कि अगर ये लिमिट पॉइंट है तो इसकी एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो इस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। और आपको पता है कंसीडर यहां पे देखिए एफ एन के ना, ये एक सब सीक्वेंस मैंने लिया, ये सब सीक्वेंस है क्या, मैं ऑड नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग -1 ऑड नेचुरल नंबर के करेस्पॉन्डिंग जैसे नेचुरल नंबर ऑड लीजिए 1 3 5 ना, इसके करेस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस बनेगा सब सीक्वेंस वो क्या होगा -1 -1 -1 -1 ये बनेगा फ्रेंड्स। अब देखिए ये सब सीक्वेंस है और ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, किस पे कन्वर्ज करेगी -1। तो देखिए ये सीक्वेंस ओरिजिनल कन्वर्जेंट नहीं है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, लेकिन इसके दो लिमिट पॉइंट्स हैं -1 और 1। मुझे इसकी एक सब सीक्वेंस ये मिल गई ना, ये सब सीक्वेंस मिल गई जो कि इस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। उसी तरीके से दूसरी जो सब सीक्वेंस बनेगी इवन के करेस्पॉन्डिंग ले लीजिए, इवन नेचुरल नंबर्स के करेस्पॉन्डिंग, तो ये क्या आएगा 1 1 1 1 1 1 1 इस तरह से, और ये किस पे कन्वर्ज करती है, बीइंग कांस्टेंट सीक्वेंस ये 1 पे कन्वर्ज कर गई। तो आपको क्या मिला, ये रिजल्ट वेरीफाइड है कि नहीं, कोई सीक्वेंस है उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं हर लिमिट पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग मुझे उसकी एक सब सीक्वेंस मिलेगी जो उस पर्टिकुलर लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा ठीक है। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट। अब मैं यहां पे लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं, अब आप बोलेंगे सर ये वाली सीक्वेंस ले लीजिए एन, इसका तो लिमिट पॉइंट आप बोले थे प्लस इंफिनिटी, तो इसकी सब सीक्वेंस बनाइए जो इस पे कन्वर्ज करे। फ्रेंड्स लिमिट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, लिमिट पॉइंट बोलने का मतलब रियल नंबर होना चाहिए, मैं बिल्कुल डिफाइन भी किया था, यहाँ पे जाके देखिएगा मैं बोला था ये फाइनाइट लिमिट नहीं है, और जहां पे भी थ्योरम्स में कहीं पे भी आपको बोले लिमिट पॉइंट मतलब वो फाइनाइट रियल नंबर्स की बात कर रहा है। अगर सीक्वेंस के पास फाइनाइट रियल नंबर एज द लिमिट पॉइंट हो तब ये रिजल्ट होल्ड करता है। अब आप बोलेंगे प्लस इंफिनिटी इसका लिमिट पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट नहीं होता फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था ना लिमिट पॉइंट नहीं होता इन द सेंस कि ये फाइनाइट लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट के डिफिनेशन में रियल नंबर होना चाहिए, याद करिए ठीक है ना। तो चलिए अगर ये भी कंफ्यूजन हो सकता था मैं इसको यहीं पे क्लियर कर दिया। सो थ्योरी पोर्शन
यहां पे मेरी तरफ से खत्म होता है और मेरा बेस्ट एफर्ट जो था इजी एग्जांपल्स इजी सीक्वेंसेस लेके आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बताना, जहां पे जरूरत पड़े काउंटर एग्जांपल को बताना, वही एग्जांपल्स मैंने लिए जिनको आप याद कर सके नीट गेट जैम में एक्चुअल क्वेश्चंस में इन एग्जांपल्स को एज अ काउंटर एग्जांपल आप यूज कर पाए। अब आपका ड्यूटी शुरू होता है, क्वेश्चंस उठाइए नीट गेट जैम के सीक्वेंसेस पे और आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब न्यूमेरिकल्स की रही बात, मैंने आपको बताया था मोनोटोनिक सीक्वेंस में एक जो रिजल्ट था थ्योरम था उसको यूज करके ये वाला थ्योरम, जैम में भी क्वेश्चंस बनते हैं, नेट में भी क्वेश्चंस बने हैं, होम एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो रिकरेंस फार्मूला वाला याद करिए। तो कम से कम दो एग्जाम्पल्स उस पर करके हम ये फिनिश करेंगे टॉपिक। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, चूंकि ये खत्म कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स सीखते रहेंगे, वीडियोज अपलोड होती रहेंगी, डिफरेंट टॉपिक्स पे अपलोड होती रहेंगी, तो सीखने को मिलेगा हायर मैथमेटिक्स, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।